क्योंकि उन्हें चुनना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं चाहूंगा हमारे बंपर से जो देश में क्रांति का आगाज किया जिन्होंने, और आज देश के हीरो हैं सम्मान नीला दिनपाल गौतम साहब, यहाँ आए और अपने विचार यहाँ पर रखें। जय भीम, जय भारत, जय सुल्तान। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी एवं माता रमाबाई जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, झलकारी बाई जी, अवंती बाई लोधी जी, साहू जी महाराज, रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, ललित सिंह यादव जी और समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर आसीन आदरणीय भिक्खु संघ, हमारे साथी राजेश सोनाग्रे जी और उनकी टीम, दीप उदेश सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, जयस ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, भीम सेना, समता सैनिक दल एवं सभी क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम विनम्र नमो बधाई। सबसे पहले तो मैं आप सबका अभिवादन करता हूं और वकौड़े जी भी हमारे मंच पे बैठे हुए हैं, अभी उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली सोशल वर्क के लिए, उनको भी मैं बधाई देता हूं। आज चिंतन का समय है। जिस तरीके से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस तरीके से लड़ाई को लड़कर जीतना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यह लड़ाई कोई तलवार से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई को आप बंदूक से, ताकत से नहीं लड़ सकते। ये कोई लाठी और गोली से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई बुद्धि और विवेक से लड़ी जाने वाली है। यह लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा मानवतावादी है, समतावादी है, न्यायवादी है, बुद्धवादी है, अंबेडकरवादी है, और दूसरी विचारधारा विषमतावादी है, अन्याय पर टिकी है, जो इंसानियत के खिलाफ हैवानियत पर टिकी है, जिसमें शोषण और उत्पीड़न नजर आता है, जिसे मनुवादी विचारधारा कहते हैं। तो यह लड़ाई अंबेडकरवाद और मनुवाद के बीच में है। हम लोग जातियों को खत्म करके, देश में फैली विषमता को खत्म करके, न्याय पर आधारित समाज, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, मैत्री और सील के ऊपर आधारित, पूरे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाली जो तथागत बुद्ध की विचारधारा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा है, हम लोग उस विचारधारा को मानने वाले हैं। और दूसरी तरफ वो मनुवादी विचारधारा है जो शोषण करती है, उत्पीड़न करती है, जिसने पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पे उन्माद पैदा किया है, जिसने पूरे देश को जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया है, जो नफरत फैलाती है, लेकिन नफरत से नफरत फैलती है, जहर से जहर फैलता है, प्यार से प्यार फैलता है। हम प्यार फैलाएंगे, नफरत से काम नहीं चलेगा। अगर हम लोग भी नफरत की बातें करेंगे तो हम लोगों में और उन लोगों में फिर कोई अंतर नहीं बचेगा। हम तो तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हमें इस बात पे चिंतन करना चाहिए कि हमारे समाज के पास खेती की जमीन क्यों नहीं है। जितने बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे उसको अनुसूचित जाति का है,
चाहे अनुसूचित जनजाति का है, चाहे पिछड़ा वर्ग का है, चाहे फिर वो किसी भी कारण से धर्म बदलकर आज धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हो, इन सबके अगर रंग रूप को देखेंगे तो लगेगा कि हम सब लोग भारत के मूल निवासी हैं, इसीलिए हम लोग उपेक्षित हैं, प्रताड़ित हैं, शोषित हैं। तो शोषितों में जातियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शोषित शोषित भाई भाई, एकजुट होंगे तो ईमानदारी से लड़ पाएंगे, एकजुट होंगे तो लड़ाई को जीत पाएंगे, टुकड़ों में बटेंगे तो हारना तय है। यह आपको तय करना होगा, आप टुकड़ों में बट के लड़ना चाहते हैं या एकजुट होकर लड़के जीतना चाहते हैं। हम अगर सच्चे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के सिपाही हैं तो सबसे पहले हमें सच को जानना होगा, और सच को अगर जान लें तो सच को मानना होगा। तथागत बुद्ध ने कहा था, किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी बहुत बड़े महाग्रंथ में लिखी है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वो किसी बहुत बड़े विद्वान ने कही है या किसी राजा ने कही है या किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है। किसी भी बात को मानने से पहले उसको जानो, उसको समझो, उसको बुद्धि और विवेक की कसौटी पर तर्कपूर्ण तरीके से कस के देखो, उसके बाद आपको लगे ये बात सही है तब आप उस बात को मानो। हम लोग कहते तो हैं हम तथागत बुद्ध को मानते हैं, हम लोग कहते हैं हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। हम बुद्ध को मानने की तो बात करते हैं लेकिन बुद्ध के विचार को अपने आचरण में नहीं उतारते। हम लड़ाई को भावनात्मक तरीके से लड़ते हैं लेकिन लड़ाई भावनाओं से नहीं, बुद्धि और विवेक से जीती जाती है। हमें यह बात समझनी होगी, अभी कुछ वर्ष पहले दिल्ली, पूरे भारत का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसका पूरे दुनिया में नाम है, जिसको आयुर्विज्ञान संस्थान बोलते हैं, एम्स बोलते हैं, एम्स के अंदर एक मेडिकल का छात्र था जो मीणा समाजी था। वो छात्र, उस छात्र को जानबूझकर जाति की वजह से, चूंकि वह अनुसूचित जनजाति में आता था, मीणा समाज से था, वो छात्र को फेल कर दिया गया। वो छात्र बहुत ही ब्रिलियंट था, आउटस्टैंडिंग था, बेहद काबिल था। उसने सोचा कि मैंने तो इतना बढ़िया पेपर किया फिर मुझे फेल क्यों कर दिया। वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया, उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। उसके बाद जब वो मुद्दा बना, उसकी वो कॉपी बाहर जांच के लिए भेजी गई, तो आपको सबको ये जानकर ताजुब होगा, वो मीणा समाज का, हमारे समाज का बच्चा उस पूरे ग्रुप में टॉपर था। तो जो टॉपर था, जाति की वजह से उसको फेल कर दिया, इसको कहते संस्थानिक हत्या। ये आत्महत्या नहीं थी, ये समाज के हक अधिकार के लिए उस बच्चे का बलिदान था। उसके कुछ ही वर्षों बाद आपने देखा किस तरह रोहित वेमुला को इतना प्रेशराइज कर दिया, इतना उत्पीड़ित किया कि उसको भी अंत में आत्महत्या करनी पड़ी। लेकिन उसे हम आत्महत्या कहें या हत्या कहें, यह संस्थानिक हत्या थी। जब संस्थान में बैठे प्रशासक न्यायपूर्ण निर्णय ना लें तो कई बार ब्रिलियंट से ब्रिलियंट छात्र भी डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन यह रोहित वेमुला की आत्महत्या नहीं थी, ये संस्थानिक हत्या थी जिसने पूरे देश के युवाओं को झकझोर दिया, एक अलग तरह की ज्वाला को प्रज्वलित किया। पिछले कुछ समय पहले की एक बात मुझे याद आती है, दिल्ली के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल सफदरजंग अस्पताल में 25 बच्चों को, कई साल तक मेडिकल के छात्रों को फेल किया गया। जब वो मुद्दा बना, कोर्ट में केस गया और ये ऑर्डर हुए कि इनकी कॉपियां बाहर से जांच की जाए, उनकी कॉपियों को बाहर जांच के लिए भेजा गया। जब उनकी कॉपी बाहर जांची गई, आपको जान के ताजुब होगा, वो 25 के बच्चे 25 पास हो गए। तो जानबूझ के हमारे काबिल बच्चों को फेल किया जाता है। इसका रिकॉर्ड चेक किया कि पूरे भारत के अंदर जितने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं,
प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे सुसाइड करते हैं वो बच्चे किस जाति के होते हैं, आपको जानकर ताजुब होगा। 95% से ज्यादा बच्चे जो प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर सुसाइड करते हैं वो अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के होते हैं। इसका मतलब शोषण कब तक चलेगा? ये जाति के आधार पर जो छुआछूत का वातावरण आखिर कब तक देश को खोखला करता रहेगा? कब तक आखिर देश के न्यायालय और देश की सरकारें खामोश रहेंगी? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या लोगों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, देश के अंदर जितने प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो खेती की जमीन हो, चाहे वो जंगलों से होने वाला उत्खनन हो, चाहे पहाड़ों से होने वाला उत्खनन हो, चाहे नदियों से होने वाला उत्खनन हो, चाहे खनिज और पदार्थ की खाने हो वहां से उत्खनन होता हो, अरबों खरबों रुपया जहां से पैदा होता है, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, खेती की जमीन, जल, जंगल और खनिज पदार्थ की खाने, क्या कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा होता है? बताइए, क्या कोई अपनी माँ के पेट से लेके पैदा होता है? माँ के पेट से लेके अगर पैदा नहीं होता तो केवल कुछ ही लोग देश के प्राकृतिक संसाधनों के मालिक क्यों हैं? कुछ ही लोग देश के खेतों के मालिक क्यों हैं? उसमें देश के गरीब लोग, उपेक्षित लोग, शोषित लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग मालिक क्यों नहीं है? जिसकी खेत की जमीन एक्वायर होती है उनको तो करोड़ों रुपए का मुआवजा मिल जाता है, लेकिन जो आदिवासी, जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग जंगलों के मालिक थे, हजारों साल जिनकी पुश्तें जिस जमीन पे गुजर गई, वहां से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए उन जनजाति के लोगों को विस्थापित किया जाता है और मुआवजा तक भी नहीं मिलता। क्यों? क्या इसे न्याय कहेंगे? क्या ये चुप्पी ठीक रहेगी? क्या न्याय की लड़ाई में जाति और धर्म पूछ के लड़ी जाएगी? क्या न्याय सबको नहीं मिलना चाहिए? अभी आपने देखा पिछले दिनों देश के सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया कि कोई भी अगर हेट स्पीच दे, किसी को आतंकित करने वाला भाषण दे, किसी को डराने वाला भाषण दे तो उनके खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करना होगा, चाहे कोई कंप्लेंट आए या ना आए, ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो मुकदमा दर्ज करे। लेकिन हम देख रहे हैं बड़े बड़े मोटे पेट वाले जो देखने में वस्त्रों से साधु दिखते हैं लेकिन भाषण से और भाषा से आतंकवादी दिखते हैं, ऐसा लगता है लोगों के मेहनत की कमाई को खा खा के वो लोग इतने मोटे हो गए हैं, और जिस तरह डराने वाली वो भाषण देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, डराते हैं लोगों को, धर्म और जाति के नाम पर डर पैदा करते हैं उनके भाषणों पर, और बीजेपी के सांसद किसी धर्म विशेष के लोगों को डराने वाला जो भाषण दे रहे हैं उनके भाषण के बाद जो पुलिस को मुकदमा दर्ज करना चाहिए ना तो वो पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है, और जिस सर्वोच्च न्यायालय का खुद का अपना निर्णय है अभी 25 दिन पहले का है कि जो भी हेट स्पीच दे, डराने वाले भाषण दे, पुलिस को उसमें खुद मुकदमा दर्ज करना होगा, और अगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती तो सर्वोच्च न्यायालय उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कंटेंट ऑफ कोर्ट इशू करेगा। तो इन घटनाओं में ना तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है और ना ही अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कंटेंट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई है। हम लोग देख रहे हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का खुद का वर्डिक्ट का मान सम्मान और इज्जत होगी या नहीं होगी? क्या डराने वाले लोग इसी तरह डराते रहेंगे? अरे जरा सोचो, हम लोगों ने इस बात का सर्वे करवाया था कि देश के अंदर जितने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजेज हैं, देश के अंदर जितने सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर हैं, जितने देश के अंदर सीनियर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं? हमारे सर्वे में निकल कर आया कि वो 98% सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजेज, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। तो फिर भाई ये बताओ, इसका मतलब सरकारी स्कूल अच्छे थे कि नहीं थे? तो जब सरकारी स्कूल इतने अच्छे थे
कि सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए ही लोग 98% सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज बने, सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए 98% लोग प्रोफेसर बने, जज बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, तो फिर ये प्राइवेट स्कूल क्यों खुले? फिर धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर क्यों किया? ये साजिश किसने की और ये साजिश किसके खिलाफ की? क्या इस बात को आप लोग समझोगे कि नहीं समझोगे? लड़ाई को आप इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि आप ना तो सच को जानते हो और ना सच को जानने का प्रयास करते हो। और फिर उसके एक कदम आगे कहूं तो सच जान भी लो तो सच को मानते नहीं हो। अरे ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हजारों साल तक देश के 90% लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। ये वही लोग हैं जिसने 3,500 साल तक देश के 90% लोगों को व्यापार करने पर और संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के लोगों को 4 वर्णों में और 1,000 जातियों में बांट दिया। ये वही लोग हैं जिनसे अगर पूछो तुम्हारा वर्ण क्या है तो जो वो अपना वर्ण बताते हैं, अगर उनसे पूछो तुम्हारी जाति क्या है तो जाति भी वही बताते हैं। वर्ण भी ब्राह्मण, जाति भी ब्राह्मण। वर्ण भी क्षत्रिय, जाति भी क्षत्रिय। वर्ण भी वैश्य और जाति भी वैश्य। लेकिन फिर शूद्र कौन है? तो सब चुप। शूद्र तो अपने आप को शूद्र मानता नहीं है, वो अपनी 1,000 जातियां गिना देता है। और जिस क्षण वो अपनी 1,000 जातियां गिना देता है तो वो लगभग 90% 88% होने के बावजूद वो 1,000 जगह बट जाता है। और 12% लोग के 3 वर्ण और 3 जाति हैं तो वो एकजुट हो जाता है। वही देश के 90% संसाधनों का मालिक बन बैठा है, वही देश के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों में जज बन बैठा है, वही भारत के सचिवालय में सचिव के तौर पर भारत के जनता के लिए योजना तैयार करता है। तो जो न्याय के मंदिर हैं, वहां न्याय देने वाले लोगों में आपके समाज के 90% लोगों की भागीदारी नहीं है। जो देश का व्यापार कर रहे हैं, जिनके हाथों में देश का 90% धन और संसाधन है, उनकी संख्या 10-12% है। तो भाई देश के जो दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग जो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप देश की जमीन के मालिक क्यों नहीं बन पाए? आप देश में व्यापार में मालिक क्यों नहीं बन पाए? आप देश के प्राकृतिक संसाधनों के मालिक क्यों नहीं बन पाए? आप देश की संपत्ति का मालिक क्यों नहीं बन पाए? जब तक आप इस सच को नहीं जानोगे, जब तक आप लोग जातियों में बटे रहोगे, जब तक आप अपने पूर्वजों के धम्म को, तथागत बुद्ध का धम्म जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री की बात करता है, जिसने पूरे दुनिया को भारत से मानवता और शांति का संदेश दिया, जिस बुद्ध के धम्म को पूरे दुनिया ने ग्रहण किया और तरक्की के मामले में आगे निकल गए, उसी बुद्ध के धम्म को भारत में निस्तेनाबूद किया गया। बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई गई, 84,000 बौद्ध मठ तोड़े गए और बौद्ध साहित्य जलाया गया, वो उसको 1,000 टुकड़ों में बांट दिया, उसने ही जातियों में बांटा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि अमेरिका में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, स्पेन में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, रशिया में जाति नहीं है। जब पूरे दुनिया के अंदर जाति नहीं है तो जाति केवल और केवल भारत में क्यों है? और ये जातियां किसने बनाई और इन जातियों के बनने से किसको फायदा हुआ और इन जातियों की वजह से किसको नुकसान हुआ? जब तक आप लोग इस सच को नहीं जानोगे कि किसने जातियां बनाई, कौन जाति बनने से फायदे में है और किसको जातियों में बटे रहने से नुकसान है,
तब तक आप समाज को जोड़कर एकजुट नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप समाज को जोड़कर एकजुट नहीं कर पाएंगे तब तक अपने न्याय की लड़ाई को भी आप जीत नहीं पाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने सोचा कि जो देश के 88% लोग, जो देश के मूल निवासी हैं, जो देखने में छोटे कद के हैं, काले रंग के और सांवले रंग के हैं, ये लोग जो हमारे खेतों में बिना पैसे के 15-15 घंटे काम करते थे, केवल उनको बचा हुआ खाना दिया करते थे, आज वो लोग हमारे बीच में अफसर बन के आ गए हैं, आज वो हमारे बगल में बैठने लगे हैं, आज वो काम के बदले में न्यूनतम मजदूरी मांगने लगे हैं, आज वो जुर्म के खिलाफ बोलने लगे हैं, मुकदमा दर्ज करवाने लगे हैं। इनके पास, इन बेजुबान गूंगे भेरे जो हजारों साल तक बेजुबान थे, इनके पास ये बोलने की ताकत कहां से आ गई? तो उनको पता लगा ये बोलने की ताकत इनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी है, जिनको हजारों साल तक पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदी थी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उनके पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, शिक्षण संस्थानों में उनको रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी, सरकारी नौकरियों में उनके रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी, भारत की राजनीति में उनकी रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी, पढ़ने के रास्ते खुले, पढ़ने लिखने से उनमें ज्ञान आ गया, सरकारी नौकरी के रास्ते खुले तो नौकरियों से घर में थोड़ा पैसा आने लगा, पढ़ने से ज्ञान आया और नौकरियों से थोड़ा पैसा आया और ज्ञान से और पैसे से बोलने की ताकत आ गई। तो उन्होंने सोचा इसका मतलब इनको अगर रोकना है, चूंकि अगर नहीं रोकेंगे, अगर इसी तरह ये लोग पढ़ते लिखते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो उनकी फैक्ट्रियों में उनके बड़े जो जमींदार हैं उनके खेतों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे। यही से उन्होंने 40 साल पहले षड्यंत्र रचा, शोषण का षड्यंत्र रचा, आपके बच्चों से शिक्षा छीनने का षड्यंत्र रचा, आपके बच्चों से नौकरियां छीनने का, और उन्होंने धीरे धीरे सरकारी एजुकेशन सिस्टम को ठप करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। पूरे देश के अंदर देखते ही देखते पिछले 30-40 सालों में सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ गई, प्राइवेट कॉलेज खुलने शुरू हो गए। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है, जब हमने आरटीआई से सूचना ली तो पता लगा पिछले लगभग 15 से 20 सालों में पूरे देश के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। सरकारी स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते थे? सरकारी स्कूलों में दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चे पढ़ते थे। उनको यह बात रास नहीं आई कि दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के, आदिवासियों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चे पढ़कर कलेक्टर क्यों बन रहे हैं, इनके बच्चे डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, इनके बच्चे इंजीनियर क्यों बन रहे हैं, ये जुर्म के खिलाफ बोलते क्यों हैं, ये न्यूनतम मजदूरी क्यों मांगते हैं। उन्होंने षड्यंत्र रचा और जानबूझकर धीरे धीरे सरकारी स्कूल बंद करने शुरू किए, सरकारों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके सरकारी शिक्षा के स्तर को कमजोर किया और प्राइवेट स्कूल खोलते चले गए, प्राइवेट कॉलेज खोलते चले गए। और प्राइवेट स्कूलों में जो मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें भी अगर एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे अगर जोड़ ले तो मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल के अंदर एक बच्चे की पढ़ाई पे कम से कम 7-8 हजार रुपया महीना खर्च होता है। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, यानी केवल 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक परिवार को कम से कम 15-20 हजार रुपया महीना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब मजदूर, किसान, क्या उनके 99% लोग ऐसे नहीं है जिनके पूरे परिवार के अगर इनकम को जोड़ ले तो देश के 99% हमारे गरीब लोग, हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, 99% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ ले तो 10,000 से 20,000 रुपया महीना होती है। तो जिसके पूरे परिवार की इनकम 10,000 से 20,000 रुपया महीना बैठती है, क्या वो अपने 2 बच्चों के पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल के ऊपर खर्च करने के लिए 15-20 हजार रुपये महीना खर्च सकता है? क्या नहीं खर्च सकता ना? तो ये साजिश किसने रची?
और क्यों रची और कब रची। जब तक इस सच को आप नहीं जानोगे तब तक आपका उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन आपने इतना समय निकाल दिया, 30-40 सालों में तो सब कुछ बर्बाद हो गया। एक तरफ इन्होंने सरकारी स्कूल कमजोर कर दिए, दूसरी तरफ 1.5-2 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए, तीसरी तरफ महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल खोल दिए। फिर भी किसी तरह अगर आपके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, उन्होंने मेहनत मशक्कत करके अगर वो इंजीनियरिंग में मेडिकल में सेलेक्ट भी हो गए, तो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बच्चे की 4 साल की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, सारे खर्चे अगर जोड़ लिए जाए तो केवल इंजीनियरिंग कराने के लिए एक बच्चे के लिए एक माँ बाप को कम से कम 10-15 लाख रुपया चाहिए। क्या देश में 99% लोग जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, क्या वो एक बच्चे के इंजीनियर मेडिकल बनाने के लिए 10-15 लाख रुपए का खर्चा उठा सकते हैं क्या? इसका मतलब आपके बच्चों से साजिश के तहत उन्होंने एजुकेशन को छीन लिया। वो काबिल भी बन जाएंगे, प्रतिभा भी होगी, लेकिन पैसे के अभाव में आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ आपके बच्चे रिजर्वेशन की वजह से नौकरी में आने ही शुरू हुए थे, क्योंकि एक तरफ EWS जनरल कैटेगरी को EWS के नाम पर अभी आरक्षण दिया गया, 4 साल पहले लगभग 4 दिन के अंदर आरक्षण दे दिया, 1 दिन कैबिनेट में पास किया, और वो आरक्षण EWS का किसी ने मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी उनको 4 दिन में दे दिया। 1 दिन कैबिनेट में पास हुआ, अगले दिन लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा डिसॉल्व हो रही थी, 1 दिन बढ़ाया गया और उस दिन राज्यसभा में, तीसरे दिन पास हो गया, चौथे दिन राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए, अधिसूचना जारी हो गई। 4 दिन के अंदर बिना मांगे 12% लोगों को 10% आरक्षण दे दिया गया 4 दिन के अंदर। और दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के लोग 1951 में पहले से ही मांग रहे थे रिजर्वेशन। 1951 में काका कालेलकर आयोग बना, उसकी रिपोर्ट आई, खत्ते में डाल दी। फिर 77 में प्रोफेसर बीपी मंडल जी के नेतृत्व में बना आयोग, फिर रिपोर्ट आई, फिर खत्ते में डाल दी। फिर 7 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने शाम के समय मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की, पूरे देश में आग लग गई। कोर्ट के अंदर केस गया, कोर्ट ने जाते ही स्टे कर दिया। 1992 में जजमेंट आया, उसके बाद लगभग 1 साल लग गया नोटिफिकेशन जारी होने में। 93 में लागू हुआ और अभी तक पूरा नहीं मिला। आप इतने दिन से ओबीसी महासभा के लोग लड़ रहे हैं, इतने दिन से आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन अभी तक भी नहीं मिल रहा। झारखंड में अभी भी पास हुआ है बिल, कितने साल मतलब सालों साल तक पिछड़े वर्ग के लोग अपने आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। उनकी 52% के करीब जनसंख्या है, लेकिन उनको 27 भी पूरा नहीं मिला। और जिनकी टोटल जनसंख्या 12% है, उनको 10% तो EWS में दे दिया और बाकी का 40% और 50% तो वो मिल गया, 100 में से 50% मिल गया। लेकिन साथ में जो रोस्टर पॉइंट है उसमें अगर 3 वैकेंसी निकालते तो 3 जनरल की जाती है, 1 भी ना एससी को ना एसटी को ना ओबीसी को। लेकिन हमारे लोग समझते हैं कि 49.5% एससी एसटी ओबीसी को मिल रहा है, लेकिन वैकेंसी 3 निकलती है तो 3 जनरल को जाती है। ये आप लोगों को पता है नहीं पता? नहीं पता होगा आपको। अगर केवल 3 वैकेंसी निकलेंगी तो 3 जनरल को जाएंगी, 4 निकलेंगी तो 3 जनरल को 1 ओबीसी को जाएगी, 6 निकलेंगी तो 5 जनरल को 1 ओबीसी को जाएगी, 7 निकलेंगी तो 5 जनरल को 1 ओबीसी को 1 एससी को जाएगी। अगर 13 वैकेंसी निकलेंगी तो 13 में से 1 एससी को जाएगी, 2 ओबीसी को जाएंगी, 8 जनरल और ईडब्ल्यूएस भी जनरल, 8 जनरल को जाएंगी। लेकिन क्या यहां और गंदा पानी पीते रहो तो क्या आपका दवाई लेने के बावजूद इन्फेक्शन दूर हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। तो अगर आप बीमारी के कारण को जानोगे ही नहीं तो बीमारी का इलाज कैसे होगा? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे केवल एक एग्जाम्पल बता दो पूरे दुनिया के अंदर से, एक एग्जाम्पल। कोई व्यक्ति अगर गंभीर रूप से बीमार हो जाए और डॉक्टर कहे तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन होना है,
20 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ेगी, तुम 20 यूनिट ब्लड का इंतजाम करो। तो पूरे दुनिया में एक एग्जाम्पल दिखा दो जिसको जानवर का ब्लड चढ़ जाए, चढ़ेगा क्या? नहीं चढ़ेगा ना। किसका ब्लड चढ़ेगा? इंसान को, इंसान का। तो मुझे एग्जाम्पल पूरे दुनिया में से दिखा दो जो ये कहे मुझे ईसाई चाहिए। जो मरने वाला है, जिसका ऑपरेशन होने वाला है, जिसकी जान बचनी है, वो कहता कोई भी आके ब्लड डोनेट कर दे, मुझे ब्लड डोनेट करवा दो, मेरी जान बचा दो। इसका मतलब कुदरत ने इंसान पैदा किया, चालाक इंसानों ने जातियों का निर्माण किया। और जाति हमारे बीमारी की कारण है, हमारे साथ जाति की वजह से उत्पीड़न होता है। तो जब जाति ही बीमारी का कारण है तो फिर जाति को पकड़कर क्यों बैठे हो? जातियों को छोड़ क्यों नहीं देते? जाति को खत्म क्यों नहीं कर देते? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जाति का विनाश करना, इसीलिए 1935 का जो उनका भाषण किताब के रूप में छपा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। उन्होंने कहा था मैं भारत को बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। इसीलिए उन्होंने जाति का विनाश करके, जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, लेकिन जब वो नदियां अंदर से एक लोटा पानी निकाल के बता सकता है कि ये किस नदी का पानी है, कोई नहीं बता सकता ना। तो वो किस चीज का पानी बताएगा? वो कहेगा इस समुद्र का पानी है। उसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ये बीमारी समझ गए थे कि जाति एक बीमारी है, अभी जातियों को खत्म करना होगा। इसीलिए वो चाहते थे भारत बौद्ध में बने। हमारे पूर्वज बौद्ध थे, पूरा भारत बौद्ध था। सम्राट अशोक के टाइम पर लेके म्यांमार से ईरान तक, जिसमें अफगानिस्तान भी, ईरान का हिस्सा भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, म्यांमार भी, नेपाल भी, भारत भी, तिब्बत भी, ये पूरा भारत बौद्ध में था। लेकिन षड्यंत्रकारी ताकतों ने उनके बाद मौर्य वंश के अंतिम सम्राट राजा वीरद्रथ की हत्या की, और उनकी हत्या करने के बाद सारे बौद्ध मठ, 84,000 बौद्ध मठ तोड़े, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कराई, बौद्ध साहित्य जलाकर बौद्ध धर्म को निस्तेनाबूत किया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत में बुद्ध के धर्म को वापस लेकर आए। और मुझे पता है जिस तरह लोग, विषमतावादी लोग, जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा कर रहे, देश को बांट रहे हैं, मुझे लगा भारत को बचाना है तो भारत के संविधान को बचाना बेहद जरूरी है। मैं सैल्यूट करता हूं अपने साथियों को जो भारत के संविधान को बचाने की संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। आज भारत के संविधान को बचाने की जरूरत है, आज भारत से जाति उन्मूलन की जरूरत है, आज आपस में जातियों को खत्म करके रोटी बेटी का रिश्ता करने की जरूरत है। इसलिए हमने संकल्प किया मिशन जय भीम के माध्यम से, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो, और अपने पूर्वजों के धम्म में, बुद्ध धम्म की विरासत में, अपने पूर्वजों की विरासत में घर वापसी करो। इसीलिए हमने 5 अक्टूबर 2022 को 10,000 से ज्यादा अनुयायियों के साथ अपने बुजुर्गों के धम्म में, बुद्ध के धम्म में वापस आकर दीक्षा लिया, और बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराकर हमने संकल्प किया कि हम भारत में संविधान को हर कीमत पर बचाएंगे, हम भारत में विषमता को खत्म करेंगे, हम भारत में न्याय का शासन कायम करेंगे। जो लोग 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध करते हैं, अरे बिना पढ़े विरोध मत करो भाई, पहले 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ तो लो। जब पढ़ लोगे उसके बाद खुद ही आप कहोगे कि इनमें तो अच्छाई है, इससे तो देश बचेगा। भाई बाबा साहब का संविधान खुद कहता है कि सभी लोगों को अपनी धार्मिक आस्था और उपासना की स्वतंत्रता है, और हम बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, हम सभी धर्मों की आस्था की इज्जत भी करते हैं। लेकिन जिस तरह हम दूसरे के धर्मों की आस्था की इज्जत करते हैं, अगर हम तथागत बुद्ध को मानते हैं तो इसमें आपको आपत्ति क्यों? आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। और हम तो भारत के धर्म, जो भारत से निकल के पूरे दुनिया को शांति और मानवता का, समता, करुणा, मैत्री और न्याय का संदेश दिया, हम तो उस धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हम भारत को बचाएंगे। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम भारत को बचाएंगे, भारत के संविधान को बचाएंगे। इसके लिए चाहे जो मर्जी कुर्बानी देनी पड़े, यह मंत्री की कुर्सी तो बहुत छोटी कुर्सी है, यह कुर्सी भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी है। अरे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर यह रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो ना हम नौकरियों में आ पाते, ना हम पढ़ पाते, ना मैं वकील बन पाता, ना मैं एमएलए बन पाता, ना मैं मंत्री बन पाता।
मैं अगर वकील बना तो बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन की वजह से पढ़ने की अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को ना लड़ पाया तो इस कुर्सी का क्या अचार डालूंगा। आज मेरे भाइयों की छोटे बच्चों की घड़ा छूने पर हत्या हो रही है, मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट के हत्या हो रही है, मंदिर प्रवेश करने पर मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है। क्या हम हिंदू नहीं है? आप हमें हिंदू भी मानते हो और जब हम घड़ा छू ले तो हमारी हत्या कर दे तो कहते हो छूते घड़ा छू लिया। आप हमें हिंदू भी कहते हो और हम मंदिर में प्रवेश कर ले या मूर्ति छू ले तो आप हमारी हत्या करते हो कि मंदिर को अपवित्र कर दिया, भगवान को अपवित्र कर दिया। अरे भाई, इन मूर्तियों को बनाते भी हम ही हैं, देश में अन्न भी हम उगाते हैं, देश में निर्माण का काम भी हम करते हैं। इतनी नफरत मत करो हमसे, देश में प्यार पैदा करो तो प्यार पैदा होगा। देश में नफरत पैदा करोगे, जहर बोलोगे तो जहर पैदा होगा, नफरत पैदा होगी। देश को जोड़ना जरूरी है, देश से प्यार करना सीखो, भारतीय बनो और भारतीय होने पे गर्व करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप जातियों को छोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे और अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में वापस आने का काम करेंगे और अगले आने वाले सालों में पूरा भारत बुद्ध की ओर चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत।